और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं सचिन के घर, जिसके प्रेम में सीमा हैदर पाकिस्तान से नोएडा पहुंच गई। सचिन के घर से घर के बाहर मौजूद है हमारी सहयोगी अमनदीप। सीमा हैदर के ससुराल से देखिए अमनदीप। अमनदीप, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, कहां है सीमा हैदर और एटीएस की पूछताछ क्या आज भी जारी है या पूछताछ अब खत्म हो चुकी है? तो देखिए, यहां से एक बड़ी खबर मिल रही है सीमा हैदर को लेकर। एटीएस की जो पूछताछ है वो खत्म हो चुकी है और अब इस पूरी जांच की रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भेजी जाएगी। हालांकि देखिए, जासूसी को लेकर अभी तक कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा है एटीएस के, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जल्द ही एटीएस की टीम, जांच पूरी खत्म हो चुकी है, अब सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। तो देखिए, मैं इस वक्त सीमा हैदर के घर के बाहर ही मौजूद हूँ। जरा इधर से तस्वीरें भी आप दिखाइए, ये गेट देखिए, ये गेट अंदर से बंद है और जो दोनों को टीम लेके गई है पूछताछ के लिए, आगे भी कुछ और पूछताछ चलेगी, पुलिस कस्टडी में है दोनों और ये दरवाजा अंदर से लॉक है और दरवाजा खोलने को कोई भी तैयार नहीं है। और साथ ही देखिए, अगर आप इधर नजर डालेंगे तो यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि सीमा और साथ ही सचिन के जानने वाले बताए जा रहे हैं। आप कहाँ से आए? देखने के लिए आए। तो देखिए, यहाँ पर दूर दूर से लोग सीमा को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? सीमा को देखा आपने? कुछ बातचीत हुई उससे? बातचीत क्या, आप मीडिया वाले बातचीत करने का मौका ही कहाँ दे रहे किसी और को। आप यहीं के रहवासी हैं या देखने के लिए आए? देखिए, दूर दूर से लोग सीमा और सचिन को देखने के लिए आ रहे हैं। अब ये जो लव स्टोरी है वो काफी ज्यादा एक तरह से फेमस हो चुकी है। आप यहीं के रहवासी हैं, सीमा को देखा आपने? पहली बार आपकी कब मुलाकात? मुलाकात तो ना हुई पर देखा, जब आई जब ही देखा। हाँ। और देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो कि ये सचिन के दोस्त हैं और पिछले 3-4 साल से ये सचिन को जानते हैं। आपको सचिन ने क्या पहले बताया कि सीमा से बातचीत होती है, कोई पाकिस्तान की लड़की है जो भारत आना चाहती है? ऐसा कुछ नहीं बताया, खाली थोड़ा बहुत डोरे बैठते थे हम बाजार में, ऐसा कुछ नहीं बताया कि मेरा कोई वहाँ पे पाकिस्तान में चक्कर है या कुछ भी गेम फेम में कोई जुआड़ भिट होगा उसका, ऐसा उसने कुछ नहीं बताया हमें। सीमा को पहली बार? सीमा को पहली बार हमने देखा थी जब इस घर में आ गई, कहीं रेंट पे रह रही गई है उसकी बिना पता ही हमें कैसी कहीं रेंट पे रह रही है। जब इस घर में आ गई हम जब देखने आई उसे, बस वहाँ पे जब फिर जब वहाँ पे आ गई हो तो मीडिया ने आने जाना चालू कर दिया, फिर इसमें हम गए ना मीडिया का और फिर कुछ लोग। सीमा से कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, सीमा से कोई बातचीत नहीं हुई जी हमारी। सचिन ने इससे पहले आपको कुछ नहीं बताया? ना, सचिन ने कुछ नहीं बताया इससे पहले कि मेरा कोई भी वहाँ पे। तो सीमा किस तरह का लड़का था, जैसे कि सीमा की अगर हम बात करें, इसके अलावा सचिन आप बता रहे हैं कि पिछले कई सालों से आप उसे जानते हैं, किस तरह का लड़का था? सीमा ने तो ये भी दावा किया कि हम पूरा पूरा दिन फोन पर बातचीत करते रहते थे, तो क्या ये सब आपने कभी नोटिस किया? हाँ, सचिन फोन पर लगा तो रहता था पर यूँ नहीं पता का, उसी से बतराता था किसी लड़के से, हाँ किसी और लड़की से इतनी नहीं पता हमें, पर फोन पर वो बतराता था। 24 घंटे उसके कानों में ब्लूटूथ लगा रहता था हमेशा। पबजी खेलता रहता था? पबजी भी खेलता रहता था वो। पबजी का तो ऐसा है मैम, 2-3 महीने उसके साथ खेला, उसके बाद उनके नंबर एक्सचेंज हुए, कॉलिंग पे बात होनी शुरू हुई है उनकी, कॉलिंग पे कम से कम 3 साल का रिलेशन है उनका, 3 साल में बहुत बात की है। मिलने का प्रोग्राम हुआ, ये नेपाल पहुंचा, नेपाल पहुंचने के बाद ये मिले हैं, उसके बाद उन्होंने अपने आप डिसाइड करा जो भी रहना इनको। ये पता नहीं थी हमें कि सच में वो पाकिस्तान से यहाँ आ जाएगी भारत में, हमें भी नहीं पता था ये कन्फर्म। सचिन को तो आप काफी टाइम से जान रहे हैं, जैसे स्टोरी दोनों बता रहे हैं, क्या इसके पीछे आपको कुछ लग रहा है कि कुछ छुपाने की कोशिश यहाँ पर की? मुझे तो नहीं लगता मैम कुछ छुपाने की कोशिश है, लेकिन देखो आप भी जानते हो हमसे बेटर, एटीएस की भी जांच हो रही है, अभी तक तो कुछ आया ही नहीं है निकल के, अगर कोई भी कुछ भी अगर कुछ भी आता है निकल के तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। और रही बात उसकी, अगर जासूस भी निकलती है तो मैम उससे जेल में डाला जाए, पाकिस्तान तो बिल्कुल भी ना भेजा जाए। सीमा ने क्लियर बोला है इंटरव्यू में, अगर वो पाकिस्तान भेज दिए जाएंगे ना मैं मार ही जाएगी। तो आप लोग चाहते हैं कि सीमा को पाकिस्तान ना भेजा जाए? जी बिल्कुल, सीमा को पाकिस्तान नहीं भेजा जाएगा। सीमा को पाकिस्तान भेजने की चर्चाएं काफी ज्यादा जोरों पर है, आप लोगों को लगता है कि सीमा को पाकिस्तान भेजना चाहिए? सीमा अगर गलत भी निकल दिया तो उसे हिंदुस्तान की जेल में डाल दिया जाए, सीमा को पाकिस्तान भेजोगे वहाँ पे उसे मार देंगे, जाते नहीं। वो खुद बोल रही है कि मैं गला काट के मर जाऊंगी पर पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, सीमा ने खुद बोला है अपने मुंह से ये बात, तो गलत निकलती है तो योगी जी से हमारी यही प्रार्थना है कि उसे हिंदुस्तान की जेल में डाल दें, योगी जी मोदी जी से दोनों से हिंदुस्तान की जेल में डाल दो, जो भी उस पर सजा हो जो भी है, फांसी आंसी भी लगे तो उसे हिंदुस्तान में दी जाए, पाकिस्तान में उसे जाते नहीं, खामो खा के उस पर टॉर्चर करेंगे और फिर उसे मारेंगे।
इसलिए उसे देखो हिंदुस्तान में ही ज्यादा। क्या आप लोगों को भी लगता है सीमा को छुपाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सीमा खुद को पांचवी पास बता रही है लेकिन बहुत अच्छी इंग्लिश भी है एक तरफ उसकी, और साथ ही तीन तीन आधार कार्ड भी सीमा ने बनवा रखे हैं। हमें तो लगे ना जी के वो लड़की गलत है, और देखो चार चार तो उसके साथ बच्चे हैं, और फिर पाकिस्तान से क्या नाम है उसका, हैदर, हैदर है कोई, उसका पति जो है वो वहां से वाल लगा रहा है। अगर वो गलत होती ना तो हैदर वाल लगाता पाकिस्तान से, और ना इसके साथ चारों के चारों बच्चे होते। अगर कोई भी गलत काम करता है तो पैसों के लिए करता है, तो पैसे अपने बच्चों के लिए करे। कोई आदमी भी अपने बच्चों के लिए करता है इस काम, वो बच्चों साथ ले डोल लिए तो गलत तो है ना। इसलिए भैया हमारी तो यही है, गलत हो तो उसे हिंदुस्तान की जेल में डालें, और सही हो तो अपने घर में। सीमा के आने के बाद में क्या सचिन से आपकी कोई भी बातचीत नहीं हुई, उसका क्या सोचना है आगे, क्योंकि सीमा तो चाहती है कि उसे हिंदुस्तान में ही रहना है। हमारी सचिन से ना हुई जी कोई भी बात जब से सीमा आई है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग जो कि खुद को सचिन का दोस्त बता रहे हैं, उनका कहना है कि सीमा को भारत में ही रहना चाहिए, क्योंकि सीमा भी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि अगर वो पाकिस्तान जाती है तो फिर उसका जिंदा बचना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि देखिए घर की अगर हम बात करें तो घर के अंदर कुछ लोग मौजूद है रिलेटिव्स, लेकिन बाहर कोई भी नहीं इस वक्त आ रहा है। देखिए दरवाजा अंदर से बंद है, और मैंने भी कई बार नॉक करने की कोशिश की और लेकिन अंदर से ना तो कोई आवाज दे रहा है ना कोई यहां पर बाहर आ रहा है। और ऐसे में देखिए कई सारे ऐसे सवाल जिनके जवाब मिलना अभी भी बाकी है। यहां के लोग तो खुले तौर पर सीमा और सचिन को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई ऐसे सवाल हैं, जैसे कि सीमा के पास में तीन तीन आधार कार्ड मिले, उसके बाद भी चारों बच्चों के आधार कार्ड बनवा दिए गए, और अगर सीमा खुद को पांचवी पास बता रही है तो फिर वो इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे जानती है। तो ये कई सारे सवाल जिसकी जवाब अभी भी टीम ढूंढने में जुटी हुई है। आगे भी देखिए इस खबर को लेकर लगातार हमारा जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, और इस वक्त मैं सीमा हैदर के घर के बाहर ही मौजूद हूं, लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। आप देखते रहिए न्यूज 18। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीमा और सचिन की कहानी पर एटीएस की जो जांच है वो खत्म हो चुकी है, जल्द ही जो रिपोर्ट है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी सौंपी जाएगी। इस पर एडीजी का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। मैंने कोई टीम नेपाल जा रही है सर, मैंने कहीं कोई टीम नहीं जा रही है इसमें, जांच खत्म की चल रही है, टोटल गलत है। सीमा हैदर से लगातार पूछताछ चल रही है सर। नहीं वो एजेंसियां, सभी एजेंसियां अपना अपना काम कर रही हैं। क्या लग रहा है पाकिस्तानी जासूस है, संदिग्ध क्या लग रहा है सर? नहीं अभी अभी इतनी जल्दी ये मामला दो राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी कहना उचित नहीं। किस बिंदु पर जांच हो रही है, क्या? नहीं नहीं वो तो जब एक बार वो जेल जा चुकी है उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। बाहर भेजा जाएगा सर, वापस रिपोर्ट किया जाएगा? ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई, कानून अपना काम। भारत में दाखिल हुई है, क्या नाकामी लगती है सुरक्षा? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो अगर हमारा बॉर्डर पोरस है और उसके लिए कोई पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं है तो इसलिए इस तरह की चीजें। लेकिन एक पाकिस्तानी नागरिक नहीं, ये तो किसी के चेहरे पे तो कुछ लिखा नहीं। सीमा के जासूस होने के अभी तक एटीएस की टीम को कोई भी सबूत नहीं मिले, लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढना अभी बाकी है, और वही सवाल सीमा को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अब ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या सीमा को पाकिस्तान वापस भेज दिया जाएगा या फिर नहीं, इसको लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। तो मामला लगातार बढ़ता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है, हालांकि आगे ये क्या मोड़ लेगा ये देखना अभी बाकी है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज 18। ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।